गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर का मैथमेटिक्स। और क्लास फोर के इस मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू, जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो क्लास फोर के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने बुक को ओपन करेंगे और सेकंड चैप्टर को ओपन करेंगे और मेरे साथ इस वीडियो के साथ अपना पठन पाठन प्रारंभ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और आज का सेकंड लेसन, क्लास फोर का सेकंड लेसन, क्लास फोर लेसन है सेकंड, और हमारा लेसन का नाम क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग यूकेजी से, क्लास वन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं। तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग के पास होगा, एडिशन होता क्या है, सब्ट्रैक्शन होता क्या है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ना है तो उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। आइए एडिशन स्टार्ट करते हैं। एडिशन मींस होता है जोड़। एडिशन मींस क्या होता है? जोड़। एडिशन ठीक है ना, एडिशन यानी दो संख्याओं को ऐड करना ही एडिशन कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो एडिशन जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम इसमें दो तीन पॉइंट को समझेंगे। एडिशन का जो दो पॉइंट है इस चैप्टर में, उसी को समझना है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना है, ऐड से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमारा एग्जाम्पल है 225 प्लस 220 इज इक्वल टू, ये देखिए दो नंबर है हमारे पास, 225 और 220, ये दो संख्या है ना, दोनों को ऐड करेंगे। आप इसको वर्टिकली ऐड कीजिए या हॉरिजॉन्टली ऐड कीजिए, रिजल्ट वही आएगा। अब इसमें जो दो संख्या है, एक है 225 दूसरा है 220, दोनों को ऐड करते हैं, हमारा रिजल्ट आएगा 445, यही हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसमें इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, यही चीज समझना है, ठीक है ना। इस दोनों संख्याओं को जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एडेंड। क्या बोलते हैं? एडेंड बोलते हैं। और ये क्या हो गया? सम। यानी दो संख्याओं को जोड़ने से जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम सम। क्या बोलते हैं? सम। अब देखिए, आइए हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड, उस क्वेश्चन पर आते हैं और एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए नॉर्मली क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाने भी आता है। 4525 प्लस 0, किसी भी संख्या को जीरो से ऐड करते हैं, किसी भी संख्या के साथ जीरो ऐड करते हैं वही संख्या मिलता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर ये क्वेश्चन है, और अपने से भी बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। चलिए तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? हमारा दूसरा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन में भी हमको तीन पॉइंट समझना है। एक्चुअली आप क्लास थ्री में भी उस पॉइंट को समझे होंगे।
चलिए फिर हम लोग समझ लेते हैं उस तीन पॉइंट को। सबट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाव, यानी हम जब दो संख्याओं को घटाते हैं यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सबट्रैक्ट करते हैं, इसी को हम लोग सबट्रैक्शन बोलते हैं। चलिए सबट्रैक्शन में जब हम दो एग्जांपल से इसको समझेंगे, हमने ले लिया 525 - 220, इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा जी, 300 आएगा ना। तो इसमें भी आपको तीन पॉइंट दिख रहा है, इसमें तीन पॉइंट आपको दिख रहा है, यानी 525, 220 और 300। इन तीनों संख्याओं का अलग अलग नाम होता है सब्ट्रैक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं जी, मिनुएंड। 220 को क्या बोलेंगे, सॉफ्टर हैंड। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस। समझ में आया है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या सब्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी संख्या होगी उसको बोलते हैं मिनुएंड, और उस बड़ी संख्या में से जो संख्या को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं सॉफ्टरहैंड। और सॉफ्टरहैंड के बाद यानी दो संख्याओं को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं डिफरेंस, यानी दोनों संख्याओं का डिफरेंस हमारा 300 है, ठीक है ना। इन अ सब्ट्रैक्शन द लार्ज नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट अनदर नंबर इज कॉल्ड मिनुएंड, द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस, यानी सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। ये तीन पॉइंट आपको याद करना होगा, आपके बुक में भी है, आपको ऐसे याद कर लेना है कि जो सबसे बड़ी संख्या होता है सब्ट्रैक्शन में, यानी जो सबसे बड़ी जिसमें से संख्या को घटाया जाता है तो उसको बोलते हैं मिनुएंड, और बड़ी संख्या में से जिस संख्या को घटाया जाता है वो होता है सब्ट्रैक्ट, और दोनों संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका हुआ सब्ट्रैक्शन, हम लोगों ने पढ़ लिया एडिशन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कुछ एक्सरसाइज है उसको बनाएंगे, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सरसाइज, ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ही चीज पढ़ना था। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है अब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, समय है हम लोग के पास में, और हर एक्सरसाइज से दो दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द बॉक्सेस। देखिए जो क्वेश्चन नॉर्मल है जैसे कि 4528 + 0 = क्या होगा, ये तो आपको पता है, 235 में 550 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये पता है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है इन 52 + 30 = 82, and are the addend and is the sum. एक और क्वेश्चन लेते हैं, in 643 - 43 = 600, डिफरेंस इज द सब्ट्रैक्शन एंड इज द मिनुएंड। देखिए दो क्वेश्चन है, मैंने आपको फर्स्ट थ्योरी में ही बता दिया है कि सॉफ्ट हैंड क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, मिनुएंड क्या होता है।
एडेंड्स क्या होता है और सम क्या होता है, ये क्वेश्चन को लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए करा इन 52 प्लस 30 इक्वल टू 82, ये सबको पता है कि 52 को 30 में ऐड करते हैं तो 82 रिजल्ट आएगा। अब इसमें कह रहा है डैश एंड आर द एडेंट एंड डैश इज द सम, तो इसमें एडेंट क्या है, एडेंट क्या होगा इसमें, यानी 52 और 30 ये दोनों क्या है, एडेंट है ना, ये दोनों क्या है 52 प्लस 30 ये क्या है दोनों एडेंट है, एंड आर द एडेंट एंड डैश इज द सम। अब देखिए इसमें 52 एंड एक और बॉक्स होना चाहिए और 30 आर द एडेंट एंड डैश इज द सम, डैश इज द सम का मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हमारा सम क्या मिल रहा है, 82 मिल रहा है ना, तो 82 इज द सम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी 52 और 30 हमारा क्या होगा, एडेंट होगा, और 82 क्या होगा, सम होगा। वैसे ही क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड, करा इन 643 माइनस 43 इज इक्वल टू 600, ये ट्रू है, सत्य है कि अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे रिजल्ट हमारा ही आएगा। इसमें कह रहा है डैश डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, तो 600 डिफरेंस इज द सबट्रहेंड एंड डैश इज द मिनुएंट, डैश इज द सबट्रहेंड, इसमें सबट्रहेंड क्या होगा, सबट्रहेंड मैंने बोला ना बड़ी संख्या में से जो संख्या को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी 43 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 43 क्या हो जाएगा, सबट्रहेंड, एंड डैश इज द मिनुएंट, 643 इज द मिनुएंट, समझ में आ रहा है। यानी जो मिनुएंट है उसको मिनुएंट के जगह पर लिखना है, जो डिफरेंस है उसको डिफरेंस के जगह पर लिखना है, जो सम है उसको सम के जगह पर लिखना है। इसको नोट कर सकते हैं आप, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिए हैं आपके एक्सरसाइज से, क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम हो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, यानी डिफरेंस बिटवीन का मतलब होता है बिटवीन जब लगेगा इसका मतलब है कहीं ना कहीं दो संख्या है और डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस तब निकलेगा जब संख्या दो होगी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर, इसमें दो संख्या आप नीचे बता रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। करें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर, यहां देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हमको स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर और लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमारा मिनुएंट, सबट्रहेंड और डिफरेंस ये तीनों आना चाहिए ना। तो इसमें कह रहा है बिटवीन सिक्स डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, सिक्स डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से फाइव डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को, यानी फाइव डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को सबट्रैक्ट करना है। हमको पता है स्मॉलेस्ट नंबर नंबर ऑफ सिक्स डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट क्या होगा, यानी हमने बताया कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट वन होता है, टू डिजिट टेन होता है, थ्री डिजिट 100 होता है, वैसे ही सिक्स डिजिट का लिखना हो तो वन पर कितना जीरो देंगे, फाइव जीरो देंगे, तो हमारा सिक्स डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लेते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट क्या हो जाएगा, पांच अंकों की बड़ी संख्या तो 59 लिख देंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहा है तो हमारा मिनुएंट क्या हो जाएगा जी, सबसे बड़ी संख्या होता है वही ना मिनुएंट होगा, मिनुएंट
डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मिनुएंड माइनस सब्ट्रहेंड। डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मिनुएंड माइनस सब्ट्रहेंड। डिफरेंस इज इक्वल टू मिनुएंड माइनस सब्ट्रहेंड। ये फॉर्मूला हमको पता है, तो यहां से क्या करेंगे, हमको डिफरेंस फाइंड करना है। मिनुएंड जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही होती है, हमारा मिनुएंड क्या है जी 150 माइनस 99959। अब आपको सबट्रैक्ट करना है, ये आपका कितना है जी, यहां से काउंट करेंगे 110,000 और यही ना होगा जी 9,99,999। अब यहां से सॉरी ये 99,999 और ये कितना है 110,000 10,000 lakh, ये 1 lakh है, 1 lakh ये है और ये 99,999 ये है, समझ में आ रहा है। तो इस दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, आप यहां से भी सबट्रैक्शन कर सकते हैं, अभी 99,999 और 1 lakh, ऐसे आपका अगर सेंस स्ट्रांग है, आप अगर मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार हैं, अच्छा से मैथमेटिक्स का सलूशन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 lakh में से 9,999 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर ऐसा करने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे डिफरेंस करेंगे, यहां से कैरी लेंगे, 10 से 9 जाएगा, 100000 मिला क्या, 1 मिला हमारा, 1 रिजल्ट हो जाएगा, तो हमारा डिफरेंस क्या मिला, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 1, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, द सब्ट्रहेंड इज 84,647 एंड द मिनुएंड इज 96,869, फाइंड द डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन सेम है, केवल इसका डाटा चेंज कर दिया है या इसको लिखने का जो तरीका है इसको चेंज कर दिया है। अभी इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें ये डिफरेंस सबट्रहेंड मिनुएंड नहीं लिखा था, इसमें स्पष्ट कर दिया है, कह रहा है डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करना है तो हमको डिफरेंस का फॉर्मूला तो पता है, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, डिफरेंस इज इक्वल टू मिनुएंड माइनस सब्ट्रहेंड, यही ना होता है। तो डिफरेंस फाइंड करना, मिनुएंड क्या हो जाएगा हमारा, हमारा मिनुएंड यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही ना होगी, तो 96,869 सब्ट्रैक्ट करेंगे 84,647। आप यहां भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, यहां से 9 से 7 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 6 से 4 होगा 2, 8 से 6 होगा 2, 6 से 4 होगा 2, 9 से 8 होगा 1, यानी 12,222 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डिफरेंस होगा। Therefore, difference is equal to इतना, ठीक है ना। तो ये आपका रहा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, आगे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो आप क्वेश्चन को दो बार तीन बार पढ़ेंगे ना
तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर और कोई दिक्कत होता है तो जो समय निर्धारित किया गया है डाउट क्लास के लिए उस समय से आप फोन कीजिए और एक्सरसाइज नंबर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन है कौन से क्लास के, उसमें आपका हम पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। हम बता देंगे कि आपको इस तरह को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है ना। तो आप भी अपने से बनाइए, जितना समझ में आ रहा है बनाइए, और नहीं आएगा फिर हमसे पूछिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।